हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मेरी सिटी की सबसे बेस्ट नर्सरी में लेके चलूंगा, जहाँ से मैंने ये वाला डहेलिया, ये रेड वाला जरबेरा, ये येलो वाला जरबेरा और ये एडिनियम लिया था। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो मैंने वाली नर्सरी से परचेस किया हूँ। अब आपको सीधा नर्सरी पहुँच करके बताऊँगा कौन कौन से पौधे अवेलेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गया था अपने शहर की सबसे बेस्ट नर्सरी में। देखिए यहाँ पे गुलाब की लगभग सभी वैरायटी मिल जाती है। तो जो मेरे पास 25 वैरायटी है ना गुलाब की, वो भी सब यहीं से लेके गया था मैं। ये मिनिएचर वैरायटी के रोजेस हैं, ये सबका प्राइस 60 रुपीज है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गुलदाउदी की भी कितनी सारी वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीजनल फ्लावर्स की भी कितनी बढ़िया वैरायटी है। एक ये भी सीजनल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पिटूनिया और इंडोर प्लांट्स कैसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इंडोर प्लांट का सेक्शन। यहाँ पे नियर बाय आपको सभी इंडोर प्लांट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मॉन्स्टेरा की वैरायटी है, ये लक्की बैम्बू और ये सर्कुलेंट्स। ये नर्सरी पे फ्रेंड्स आपको सभी प्रकार के पॉट्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सब जमे हुए हैं। और फर्टिलाइजर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। देखिए देखिए, ये सेरामिक पॉट्स हैं। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पेटोनिया कैसे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, विंटर में जो सीजनल पौधा है ना, जिसमें सबसे सुंदर फूल आते हैं, वो है ये पेटोनिया। देखिए, ये सब में सुंदर वाला मेरे हिसाब से ये। यहाँ पे एडेनियम भी कितना सुंदर वाला है, ये कितना बड़ा पौधा है आप देख सकते हैं। और ये मैंगो की ग्राफ्टेड वैरायटी, देखिए ये पौधा कितना छोटा है, ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है और इसमें ये फल आने की तैयारी है। ये मेरे हिसाब से शायद तक एडेनियम सुपरनोवा है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत पतले होते हैं। देखिए, इससे आप इसे अच्छे से पहचान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लेडिएटर रोज कितने सुंदर आए हैं। ये जमीन में लगा हुआ पौधा है, तो देख सकते हैं आप इसके अंदर कलियों का साइज भी कितना बढ़िया है और फूल का साइज भी कितना गजब का है। ये यहीं पे भैया भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी इनसे भी लेते हैं। भैया, ये जो सामने पौधे रखे हुए, ये कौन से? ये यूफोर्बिया है। ये यूफोर्बिया, कैक्टस की प्रजाति है ये। देखिए, ये यूफोर्बिया है, इसमें भी कितनी वैरायटी मिल जाएंगी आपको। एक ये वाला कलर मिलेगा, एक ये कलर है, एक ये यूफोर्बिया की शायद तक एक सिंपल वैरायटी है ना। ये एक सिंपल वैरायटी है यूफोर्बिया की, ये कॉमनली सभी जगह पाई जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पंचेटिया है, इसे क्रिसमस फ्लावर भी बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर पौधा दिख रहा है ये जस्ट आपके सामने। और ये इसके साथ में गई हुई है ऑरेंज फ्लेम वाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके कितनी दूर तक के चली गई है। ये यहाँ पे कुछ फलों के पौधे भी रखे हैं, जैसे ये ट्रॉपिकल आलमंड्स है। और अंदर की तरफ आपको मलबरी के प्लांट्स भी दिखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चीकू का पौधा है। ये देखिए, ये गुआवा यानी कि जाम।
मैं आपको दिखाता हूँ इधर सबसे बढ़िया। देखिए ये, देखिए ये ग्रोइंग बैग में लगा हुआ है ये पौधा, और इसमें ये फल आया हुआ है। देखिए ये सेतूस का पौधा है, मलबरी, ये भी कितने बढ़िया है। यहाँ पे अनार का पौधा कितना सुंदर है, ये देखिए ये ग्रोइंग बैग में लगा हुआ है। आगे निकाल के बता दूंगा आपको, ये देखिए इसमें ये वैरायटी, देखिए यानी कि ग्रोइंग बैग के अंदर फ्रूटिंग दे रहा है ये पौधा। यदि आप इसे गमले में भी लगाएंगे तो इसमें फ्रूटिंग होगी, और बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होगी। इसमें नींबू के पौधे भी हैं, ये क्या है थोड़े अंदर है ना, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ये भी ग्रोइंग बैग में लगे। और ये देखिए इसके अंदर फल भी कितने अच्छे आए हैं, ये देखिए ये सब थोड़े अंदर रखे हुए, ये भी नींबू है, और यही की लाइन में वो नींबू रखे हुए, इसमें कुछ में फूल भी है। ये देखिए ये मौसम्बी का पौधा है, और इसके अंदर ये गमले में है, ये 14 इंची का गमला है, और इसमें फल देखिए। अभी तो फिलहाल ये क्या है, इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें ज्यादा फल नहीं आए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोकोपीट भी अवेलेबल है, ये 5 किलो वाले ब्लॉक है। ये कॉरी स्टिक, ये जो आप मनी प्लांट के लिए लगाते ना, ये वही चीज है, देखिए जिसे मॉस स्टिक भी बोलते हैं। और यहाँ पे खाद भी बहुत सारा अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ, और नर्सरी की ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वहाँ से मैंने ये रोज़ बॉल का पैकेट लिया हूँ, अब मैं इसे यूज़ करूँगा और आपको इसका रिस्पॉन्स बताऊँगा कैसा रहा।